वेलकम दोस्तों, मैं देवाशीष मुखर्जी, जिंदगी के पल बीतते भूता। आज नमस्कार, हाय, सत श्री अकाल, मैं देवाशीष मुखर्जी, जिंदगी के पल बीतते भूता में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक बहुत ही अच्छी बातें करने जा रहा हूं। आज मैंने टॉपिक लिया है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है? हर चीज में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। आर डिपार्टमेंट अलग है, एचआर अलग है, वाइस प्रेसिडेंट अलग है, डायरेक्टर अलग है, लेकिन इन पूरी कंपनियों की एक बिग बोन होता है, वो होता है सेल्स पर्सन, जो कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर उस प्रोडक्ट को सेल्स करता है, बेचता है। अब मुझे ये बताना है आपको कि आखिर सेल्स एंड मार्केटिंग है क्या। मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, मेरे तो रग रग में है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एक अलग चैप्टर है, मार्केटिंग एक अलग चैप्टर है। अगर आप सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके और जाके बेचते हैं और वो बिकता है तो वो सेल हो गया। और अगर किसी चीज को आप इनडायरेक्टली बेचना चाहते हैं वो मार्केटिंग हो गया। ये एक दो शब्द हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, जो मैं समझता हूं। अब मैं आपको एक अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि एक कंपनी में मैं काम करता था, बहुत ही छोटे से औहदे पर था, एरिया सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे था। नई नई कंपनी को ज्वाइन किया था मैंने। अचानक कंपनी ने बोला कि मिस्टर मुखर्जी, यू हैव टू गो टू मुंबई। तो मैंने पूछा अपने सीनियर से, व्हाई वी आर गोइंग टू मुंबई? बोला एनुअल मीटिंग है और आपको वहां जाना है और सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटरों का वहां पर मीटिंग है, तो वहां कुछ डिस्कशन होगा और सेल्स एंड टारगेट जो हम लोग करते हैं कि मंथली एंड क्वार्टरली एनुअली जो टारगेट होगा वो वहां पर होगा, और क्या नाम है, बस थोड़ा सा हम लोग अपने एरिया के बारे में बताएंगे और वो ये होगा। तो मैं ठीक है, हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ी और हम लोग चले गए मुंबई। हाँ, जो फंक्शन था, जो एनुअल मीटिंग थी, वो मुंबई में थी। तब बॉम्बे था, होता था, आज मुंबई है। तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था और देख रहा था सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं और हमारे बॉस बैठे हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग बैठे हुए थे वहां पर, वीपी मार्केटिंग, और जीएम भी बैठे हुए थे। सब लोग वहां पर सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, भाई पंजाब कितना माल चाहिए, इतना माल चाहिए, यूपी कितना माल चाहिए, इतना माल चाहिए, महाराष्ट्र कितना माल चाहिए, इतना माल चाहिए, कलकत्ता कितना चाहिए, साउथ कितना चाहिए, बला बला, इतना सेक्टर वाइज उसको बांटा हुआ था। सेक्टर वाइज सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे, उन लोगों को एक टारगेट दिया जा रहा था कि आप इसको पूरा करना है। तो वो टोटल टारगेट जो मैं अपने डायरी मेंटेन कर रहा था अलग बैठ करके, क्योंकि बहुत नया था मैं और बहुत छोटे से पोस्ट में था, एरिया मैनेजर पोस्ट में, तो स्पेशली मुझे लेके गए हुए थे, तो मैं चुपचाप नोट कर रहा था। तो जब बात आई वहां पर, मैं आपको इस सब ये एग्जांपल देना चाहता हूं कि नॉलेज, इसमें एक बात को काटता हूं मैं और अब एक और चीज में बताता हूं कि हिंदुस्तान में 90% लोग जो हैं सिर्फ काम करते हैं, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, एंड जो काम को करता है वो ओनर बनता है अपनी जिंदगी में, मालिक बनता है, और जो सिर्फ काम करता है वो जिंदगी भर तक सैलरी पाता है। तो काम करना और काम को करना, काम को करना का मतलब होता है काम पूरा समझना, उसमें तरक्की करना। सेम थिंग इज देयर कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने ये पॉइंट वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ड्यूटी है यू आर टेकिंग वर्क, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू आर टेकिंग वर्क
एंड टाइमली आर गोइंग टू फुलफिल कंप्लीट दैट वर्क. तो दैट इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कभी भी मैं जब मैं ऊंचे पोस्ट पर गया तो मैंने कोई भी आता था, चाहे एमबीए करके आ रहा है, कोई मार्केटिंग करके आ रहा है, कुछ भी करके आ रहा है, तो उससे ये पूछता था, जस्ट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको मार्केटिंग में आता ही नहीं आता वो तो मैं समझा दूंगा, आपको सिखा दूंगा, कान पकड़ के डांट के किस तरह सिखा दूंगा. लेकिन अगर उसको बेस, उसका मतलब ही नहीं मालूम है मार्केटिंग का, उसकी अपनी ड्यूटी जो है उसको उसका मतलब नहीं मालूम है, तो वो लड़का कहीं काम नहीं कर सकता, वो क्लैरिकल जॉब भी नहीं कर सकता, वो भी आधा काम छोड़ के वो मुझे खाना खाना 6 बज के मैं निकलना है. लेकिन अगर आप कर रहे हो, उससे भी एक बड़ी बात है कि आप जो भी जिंदगी में काम कर रहे हो, यू हैव टू लव दिस वर्क. अगर आप लव करते हो, प्यार करते हो, आपका उसके साथ अफेक्शन है उस काम के साथ, तो आप जरूर तरक्की करोगे. एनीवे मैं पॉइंट बनाता हूँ. तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तो मैंने कहा सर ये आप लोगों ने जो टारगेट बना दिया है, मैं कुछ बोलूँ? तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने कहा अरे ये मुखर्जी हैं, उस कंपनी से आए हैं, तो अभी ज्वाइन किया उन्होंने. तो मेरे जो एमडी थे वो थोड़ा गुस्सा हुए कि हाउ ही कैन, हाउ डेयर ही स्पीक फ्रंट ऑफ अस. एनीवे तो मेरे सीनियर ने इनको चुप करा दिया, मतलब समझा दिया कि नए हैं तो ऐसा ऐसा है, सुन लेते हैं इनका. हाँ बोलिए. तो मैंने पूछा सर ये मार्क आपने जो पंजाब का जो टारगेट बनाया है, ये मैं देख रहा हूँ इसके अंदर 1.5 लाख पीस का बनाया है. मैं कंपनी के नाम, प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, 1.5 लाख पीस का बनाया है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, ये 2 लाख क्यों नहीं है, ये 1 लाख क्यों नहीं है, 1,000 क्यों नहीं है, 10 लाख क्यों नहीं है. देन आई एक्सप्लेन देम कि अगर टारगेट बनता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर आप चॉकलेट भी बेचते हैं, पेंसिल भी बेचते हैं, कॉपी बेचते हैं या कुछ भी, तो वहां की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने परसेंट हमें शेयर चाहिए, उससे पहले दूसरी कंपनियां हैं वो कितना परसेंट शेयर ले रही है, उससे हम कैलकुलेशन करके एक टारगेट बनाना होता है. वो टारगेट 25 लाख जाएगा, 50 लाख जाएगा, 1 करोड़ जाएगा, मतलब उससे नहीं है, हम लोग माल बेचने निकले हैं. लेकिन आप दिशाहीन हैं, आपका कोई टारगेट नहीं है दिमाग के अंदर कि सामने टारगेट क्या रखा हुआ है, आपने क्या पेश किया सामने, सामने वाले को टारगेट दिया है. टारगेट वहां पे 50 लाख का पर मंथ का है, आपने वहां पे 2 लाख का किया, तो आपकी कंपनी कभी भी, आपकी कंपनी नहीं, आप खुद भी कभी भी राइज नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे. तो मैंने फिर उनको बताया कि 1 by 1 आप स्टेट वाइज पॉपुलेशन लीजिए, लिटरेसी रेट लीजिए, उसके बाद इसमें टारगेट बनाइए. तो उन्होंने वैसे ही किया. फिर मैंने उन्हें दूसरा पॉइंट दिया कि सर आप अभी तक इनको 1 लाख का माल, 1.5 लाख का माल दे रहे थे, तो सिक्योरिटी क्या है, क्या 50,000 रुपये सिक्योरिटी है? तो मैंने कहा ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी भी जीरो हो जाए, लेकिन सिक्योरिटी भी वो 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की रहे, ऐसा मैं कुछ कर दूं. तो बोले, बड़े ध्यान से मुझे फिर सुनने लगे और पूरे मीटिंग रूम के अंदर पिन साइलेंट था. क्या बताइए, मैंने कहा इसमें भी एक साइकोलॉजी आता है, मार्केटिंग में बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, और इसमें भी एक साइकोलॉजी आता है कि मैंने पहले एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग, फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम रहेगा, उसका पता रहेगा, उसका फोन नंबर रहेगा, उसकी मैरिज एनिवर्सरी कब है, उसका बर्थडे कब है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, उनका बिजनेस पहले कितना था, अब कितना हुआ, कितना ग्रो कर रहे हैं, ये पूरा डाटा रहेगा. अचानक क्यों रहेगा इसके बारे में बताता हूँ मैं, कि अचानक अगर हम देखा कि वीरेंद्र भाई का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो कंपनी की तरफ से अगर बुके चला जाता है तो दे विल फील हैप्पी. तो लाइक दैट, तो मैंने उनको सजेशन यही दिया, कि आप इनसे ब्लैंक चेक लीजिए, फॉर्म को भरवाइए, उनकी फाइल बनाइए, उसके बाद लड़कों को भेजिए और अपना टारगेट अचीव कीजिए. और आपको मैं बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था वहां पे, वो पहला दिन था जब मैं मीटिंग शुरू करने गया था, तो हमारी कंपनी का टारगेट था 150 करोड़ 160 करोड़. और अब जब ये हो गया तो हम लोगों ने 700 करोड़ क्रॉस किया. एंड कंपनी, वो हिस्ट्री था कि कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया कार, मेरी जिंदगी का पहला कार. तो मैं ये शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये अगर आप बोल्ड हैं, दिमाग से काम करते हैं और आप उस चीज को लव करते हैं, तो आप तरक्की करोगे करोगे, राइज करोगे करोगे.
गिव अप कभी जिंदगी में मत करना। ऐसे काफी टॉपिक हैं जिंदगी में, जिंदगी के पल में बीते बुदा मैं आपको बताता रहूंगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए, एक ही बार करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, दुआओं में याद रखें।